नमस्कार आप सभी के लिए। और ये 4 मई 2020 का एडिटोरियल द हिंदू में पब्लिश है, लिखा कनक मणि दीक्षित जी ने है। और इसके जो आप जो टाइटल है, आप उसे ही एक बार गौर से ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस हिसाब की बात कर रहे हैं। मतलब इस पेंडेमिक के रिगार्डिंग क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या एवोल्यूशन होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं ये अपने पूरे के पूरे एडिटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ देख ली, मतलब एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। चलिए, तो ये तो अभी एडिटोरियल सीरीज है, और भी चीज़ें इस पर आएंगी, तो लेट्स बिगिन। पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर्स, पेंडेमिक महामारी के मतलब विदाउट बगैर सीमाओं के है। साथ ही साथ साउथ एशियाज एवोल्यूशन, और साथ ही साथ साउथ एशिया का जो है एवोल्यूशन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। रेदर देन डिलीवरी एंड ऑटोक्रेटिक वास्टलैंड, द एपिडेमिक शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म द रीजन्स पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मतलब इनका पूरा का पूरा कि भाई आप ऑटोक्रेटिक जो हो रहा है या तानाशाही टाइप की चीज़ें कर रहे हैं देश, इनका पूरा का पूरा है मतलब है लॉकडाउन से, तो उसके रिगार्डिंग एक अपॉर्चुनिटी है ये COVID-19 की, एक की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो। इवन इफ द COVID-19 पेंडेमिक स्पेयर साउथ एशिया द वर्स्ट इम्पैक्ट इट हैज रिजर्व दस फॉर द नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इट इज सर्टेन दैट द रीजन ऑफ नियरली फोर्थ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी बाउंडेड ग्रेवली। पूरा का पूरा साउथ रीजन मतलब जो जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, मोस्टली ये इंडिया के रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं आफ्टर ऑल, क्योंकि ये इंडिया में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है चलो बचा भी लो आप साउथ एशियन रीजन को किससे, कोरोना वायरस की महामारी से, लेकिन उसके जो इफेक्ट हैं वो हमारी पॉपुलेशन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाले हैं और वो अपने प्रभाव छोड़ के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्यों प्रभाव छोड़ के जाएगा, इको इकोनॉमिकली एंड द प्रोसेस अनफोल्ड सोशियो पॉलिटिकल होल्डिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया आर लुकिंग इन टू द अवेयर ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिसकंटेंट। संकट मतलब इस पूरी की पूरी घड़ी में संकट और असंतोष की तरह हो रहा है पूरे के पूरे साउथ एशिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यही रहती है, सबसे ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन भी यही रहती है, इकोनॉमी के हिसाब से भी वर्स्ट कंडीशन हमें झेलनी पड़ सकती है। फिर क्या है, डेयर साइन ऑफ द रीजन फ्रॉम द इंडियन ओशन द हिमालय इज हिट बाय रिसेशन मोर देन हाफ अ सेंचुरी एफर्ट अगेंस्ट पॉवर्टी कुड बी वेस्टेड। अब जो हमने अभी तक पॉवर्टी के लिए हाफ सेंचुरी लगा दी है कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करें या पॉवर्टी को ख़त्म करें, इस पेंडेमिक ने उन सब चीज़ों पर क्या कर दिया है, पानी फेर दिया है। और हिमालय से लेके कन्याकुमारी के बिटवीन, मतलब मोस्टली सिर्फ टॉकिंग अबाउट इंडिया, द कोडलिंग ऑफ द मिडिल क्लास, कोडलिंग मतलब लाड़ प्यार करना, द कोडलिंग ऑफ द मिडिल क्लास एंड नेग्लेक्टेड ऑफ द मेजॉरिटी अंडर क्लास टू स्टार्कली सीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिस्पॉन्स। और ये देखा गया है, ये चीज़ ओवर के सामने आ चुकी है, किस हिसाब से मिडिल क्लास को आपने लाड़ प्यार किया था और अंडर क्लास को नेग्लेक्ट किया था। पॉइंट्स टू ऑल दैट गॉन रॉन्ग इन ऑल इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज, नो कंट्री ऑफ साउथ एशिया इज प्रेजेंटली फॉर्मर डिक्टेटरशिप। और ये डेमोक्रेसी का जो रूल है वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है या वो गलत हो गया है। और जो अभी जितनी भी साउथ एशिया में वो चल रही हैं उसमें थोड़ी थोड़ी एक फॉर्मल डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है अभी इस पूरी की पूरी महामारी के चलते। एमिडेस्ट अवर सेपरेट इनसेलरिटीज साउथ एशिया शुड टेक द पेंडेमिक एज अ बेकअप कॉल बियॉन्ड पब्लिक हेल्थ ऑन इल्स रेजिंग फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज हाईजेकिंग ऑफ द कॉमन डर्टी वाटर टॉक्सिक एयर वीकनिंग ऑफ द वेलफेयर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्शनलिज्म एंड रैपिड कन्वर्जन ऑफ अवर डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी इन टू द वर्ल्ड वाइड सेमनेस ऑफ द सब अर्बन मॉल। अब इनका कहना है कि हम हेल्थ के
पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन इस पेंडेमिक में हेल्थ की बजाय भी हमें बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पूरे के पूरे जलवायु परिवर्तन हुआ, प्लास्टिक पॉल्यूशन हुआ, टॉक्सिक एयर हुई, और कंटेमिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी हुआ, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो पहले डिफरेंट विविध विविध अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग टाइप के या अलग अलग विविध प्राणी जो थे, वो अब क्या है, सेमनेस मतलब एक ही एकीकरण की ओर जा रहे हैं और एक 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 आत्मवाद की ओर मूव कर रहे हैं कि एक ही टाइप का कल्चर, एक ही टाइप की बोली, एक ही टाइप का रहन सहन, इस तरफ मूव करने के लिए जा रहे हैं। इफ वी फेल टू एक्ट, COVID-19 एपिसोड विल बी व्हाट, इफ वी फेल टू एक्ट द COVID-19 एपिसोड विल बी बट इंटरल्यूड एज अ वेट फर्दर इन टू द ऑथरो ऑथ्रोपोसीन क्योंकि स्टैंड यू कैन सी द रिटर्न टू नॉर्मेलसी इन द एयरक्राफ्ट टेकिंग एप दैट शोस चाइनाज एयरवेज बेस्टलिंग वंस अगेन एज दे वर बिफोर द कोरोना वायरस रेडिएट आउट फ्रॉम वुहान। अब अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो ये पहले के जैसा ही हो जाएगा जैसा कोरोना वायरस के पहले था, एज अ डियर टेलीग्राम सेंट बाय अर्थ टू ह्यूमैनिटी, और एक ये भयानक या वो संदेश दिया है अर्थ ने ह्यूमैनिटी के लिए COVID-19 के फॉर्म में। COVID-19 हैज लेड वेयर द डेमो गोगियरी दैट मार्क द डेमोक्रेसी ऑफ साउथ एशिया द रिस्पॉन्स ऑफ द रिजिम्स हैज बीन एंट्रेंच्ड देमसेल्फ फर्दर एंड दे आर शिफ्टिंग ब्लेम ऑफ माल गवर्नेंस टू द पेंडेमिक इवन एज द टाइटन स्टेट कंट्रोल थ्रो सर्विलांस रिप्रेजेंटिंग लॉ एंड रेडिकल पॉपुलेशन बैक्ड बाय अल्ट्रा नेशनलिस्ट। अब इस पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट का कैसा रवैया रह रहा, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम जो भी अपनी कमियां हैं या जो भी वो हैं उन सबको किस पे थोप दे रहा है कि भाई ये महामारी ने किया है। पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट की खुद की कमजोरियां हैं या खुद की ना सीधी सी बात है खुद की ना लड़ने की क्षमता या खुद की कमियों को ढांकने का काम कर रही है ये महामारी। और इन सब के साथ ही साथ जबकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विलांस नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है जनता को, सब कुछ हो रहा है और फिर भी उसके बाद भी ये सब गवर्नमेंट इस हिसाब से रिएक्ट कर रही है। और अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद को, बहुत अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। द पब्लिक फियर ऑफ द वायरस इज अलाइंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेस ऑन विद टॉप डाउन रूल वेयर इज द लॉकडाउन शुड बी द टाइम टू जनरेट momentum toward the federal devolution and Gandhi's empowering Swaraj in term that must be revived without a sense of embracement। Public का जो इसके प्रति fear है या डर है वो Prime Minister और राष्ट्रपति के लिए allow कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा rule थोपे, ज़्यादा से ज़्यादा rule regulation उन पे थोपे जाए, बजाय इसके Gandhian philosophy को empower करना चाहिए government को और इसको इस जो ग्राम स्वराज है उसके लिए एम्पावर करना चाहिए। उस इसको एम्पावर करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं लगनी चाहिए गवर्नमेंट्स को। इन श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा टेक एडवांटेज ऑफ COVID-19 टू ग्रांट पार्डन टू बार क्रिमिनल। अब इन्होंने COVID-19 के जो श्रीलंका का जो डिसीजन है उसके लिए क्या किया है, सराहा है, कहा है कि श्रीलंका ने जो बार के जो युद्धबंदी थे या युद्धबंदी थे उनके लिए क्या कर दिया, माफ़ी कर दी और उनको रिलीज कर दिया। इन पाकिस्तान द आर्मी हैज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगेंस्ट द रोप एंड नेपाल पॉलिटिकल क्लास यूजेस द पेंडेमिक फॉर पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म एंड प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली एंगेज्ड द मिलिट्री टू कैरी आउट की COVID-19 टास्क फ्रॉम बाइंग प्रोटेक्टिव गियर टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। The virus has solidified the federal foundation of Sheikh Hasina once party rule in Bangladesh। और इन पूरे के पूरे देशों का कि किस किस हिसाब से वहाँ पर प्रभाव पड़ा जिसमें शेख हसीना की पार्टी ने वहाँ पर एक सॉलिडिफाइड रूल की तरह उभर के सामने आई है। India's continent sees policy crave federalism but COVID-19 has energized Prime Minister Narendra Modi's centralizing missions।
अब इसने पूरी की पूरी फेडरल एनजीओ की जो पावर है या पॉलिसीज को सीज कर दिया कोविड-19 ने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब एक एनर्जेटिक या उनके जो सेंट्रलाइजेशन का मिशन था वो फुलफिल हो रहा है। हिज हिंदुत्व बैक पाकिस्तान फोकस्ड अल्टरनेट नेशनल क्रिएट अ वेव टू कंट्रोल दैट स्ट्रेंथ मिस्टर मोदी बट बीकन्स इंडिया। अब मिस्टर मोदी को हर चीज़ स्ट्रेंथ दे रही है, कौन कौन सी, पाकिस्तान के साथ अल्टरनेशनल बहुराष्ट्र अतिराष्ट्रवाद साथ ही साथ हिंदुत्व, ये तो मोदी को क्या कर रहा है, ताकतवर कर रहा है। बट इंडिया को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ पोलराइजिंग एक्शन फ्रॉम कश्मीर टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी वाज अनविलीविंगली एज इस्लामोफोबिया इज इंजेक्ट इन टू द पेंडेमिक रिस्पॉन्स। और ये बोल रहे हैं कि पहले कश्मीर की 370, फिर CAA और फिर इस महामारी के बिटवीन इस्लामोफोबिया टाइप के जो अलग अलग थलग करने वाली जो रणनीतियां हैं वो कंटिन्यूसली क्या की जा रही हैं, इंजेक्ट की जा रही हैं हमारी सोसाइटीज में। द मेजोरिटेरियन एटीट्यूड एग्जिबिटेड बाई स्टेट मास मीडिया एंड सोशल मीडिया टूवर्ड इंडिया 200 मिलियन विल बी बिफोर लॉन्ग ट्रांसफर टू दलित ट्राइबल एंड। अब इन्होंने ये बोला है कि जो पहले ये बहुसंख्यक लोगों का जो वो था वो धीरे धीरे मुस्लिमों से होते हुए गरीब तबकों तक आ रहा है। द एंटी पुअर इम्पेरियसनेस सीन इन द डिमोनिटाइजेशन ऑन नवंबर 2016 वाज एविडेंट ऑल्सो द 4 hour नोटिस गिवन फॉर लॉकडाउन ऑन द नाइट और मार्च 23। और जिस हिसाब से गरीबों के साथ इन्होंने उस समय डिसीजन लिया था मोनेटाइजेशन के थ्रू, उसी समय मार्च 23 को भी लॉकडाउन इन्होंने कर दिया। इन अ कंट्री ऑफ मोर देन 350 मिलियन वर्कर्स मैनी हुम आर इंटरनल माइग्रेंट सिंस मिस्टर मोदी सन अनहेरिटेड एनकाउंटर जर्नलिस्ट एंड एकेडमिक आर नॉट एबल टू चैलेंज हिम अबाउट द फैब्रिक ऑफ इंडिया दैट इज स्टीयरिंग। उसके बाद भी जो 350 मिलियन जो लोग थे वो यहाँ वहाँ इंटरनली माइग्रेंट काम कर रहे थे, इस लॉकडाउन से वो प्रभावित हुए, उसके बाद भी ना तो मीडिया ना कोई उनसे कुछ कह पा रहा है, ना चैलेंज कर पा रहा है किसके रिगार्डिंग कि भाई इंडिया का जो फैब्रिक है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है या फट रहा है। अब सॉफ्ट पावर, अब जो इंडिया की पहले सॉफ्ट पावर थी ये उसके बारे में बात करेंगे, किस हिसाब से इंडिया पहले जैसा सॉफ्ट पावर था उसे आज भी सॉफ्ट पावर ही रहना चाहिए, और कंपेयर करवाएंगे किससे, चाइना से। द रीजन टू टॉक लेंथ अबाउट इंडिया विद इन साउथ इंडिया इज दैट कंट्री कंप्राइजेज मच ऑफ द रीजन बाय पॉपुलेशन एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी अब जो इंडिया की जो साउथ एशिया में जो वैल्यू है या लेंथ थी वो क्या थी, इसकी जियोग्राफी और इसकी पॉपुलेशन। फर्दर द एक्शन एंड ओमिजन ऑफ इंडियाज इम्पैक्ट ईच नेबर वाइल ऑल द अदर कैपिटल हैव एडवर्सली पोजिशन विज अविज न्यू दिल्ली। हाउ एवर इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मॉडर्न इंडिया हैज बीन एस्परेशनल फॉर नेबरिंग सोसाइटी टिल नाउ दैट इज। अब पूरे के पूरे जो अगल बगल वाली जो कैपिटल्स हैं वो क्या है, एडवर्सली काम कर रही हैं इंडिया के। वो पहले क्या काम करती थी, मतलब मिलके एस्पिरेशनल मतलब मिलके जुल के काम करती थी, सीधी सी बात है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया विथ इट्स गैलोपिंग सेंट्रलाइजेशन रिमूव गवर्नेंस फ्रॉम द पीपल्स रीच। और जो सेंट्रलाइजेशन वाली जो रणनीति है वो नॉर्मल पीपल को गवर्नमेंट से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। देयर वॉज अ टाइम डिकेड एगो व्हेन न्यू दिल्ली मैसेजिंग वॉज लिमिटेड टू प्रोपेस ऑफ रोटी कपड़ा और मकान, बट इवन मोर पॉपुलिस्ट स्लोगन वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कमांड। अब 10 साल पहले ही जो था उस समय सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित था, उसी चीज़ को क्या किया जा रहा था, न्यू दिल्ली से मैसेजिंग किया जा रहा था और कुछ ज़्यादा जरूरी जो कमांड थी वो हो रही थी। हेंस द स्ट्राइडेंट हिंदुत्व लेस्ट नेशनलिज्म विच कैन ओनली डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द हडल्स मासेस नॉट स्प्रीड प्रॉस्पेरिटी नॉट सोशल जस्टिस। और जो हिंदुत्व के कपड़े में या हिंदुत्व के धागे में लिपटा हुआ ये राष्ट्रवाद है ये सिर्फ सिर्फ डाइवर्ट कर सकता है प्रॉस्पेरिटी और उससे मतलब बगैर उन सब चीज़ों पे ध्यान दिए हुए या कमियों पे ध्यान दिए हुए आपको राष्ट्रवाद की तरफ डाइवर्ट करने का एक सीधा सा सादा जागता सा उदाहरण टाइप का है।
इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द लो लार्ज कंट्री ऑफ साउथ एशिया एंडिंग इंटेंसिटिविटी इफिशियंसी इन गवर्नेंस रिक्वायर पावर एंड एजेंसी टू पास द प्रोविंस स्टेट सेल्फ करेक्शन इज द ओनली पॉसिबल इज स्मॉलर डिवॉल्व पॉलिटीज एज हैज बीन सीन ड्यूरिंग द ऑन गोइंग क्राइसिस द स्टेट ऑफ इंडिया हैव राइजन टू द ओकेजन एंड आर सीन्स टू बी मोर केयरिंग फॉर द सिंपल रीजन दैट दे आर क्लोजर टू द ग्राउंड एंड मोर अकाउंटेबल इंडिया हैज शोन इन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर डिफाइंड बाय द टेक्सचर हिस्ट्री एम्पैथेटिक ओपन सोसाइटी साइंटिफिक टेम्पर एंड गांधियन लेगेसी इन सब चीज़ों के कारण मतलब इंडिया जाना जाता था या खड़ा था वर्ल्ड के साथ इंडिया सिंपली कैन नॉट सक्सीज द हार्ड पावर विच इज वाई अंडर द भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द कंट्री इज लूजिंग द वेरी वैल्यू दैट कमांड रेस्पेक्टेड अब्रॉड अब सॉफ्ट पावर से डायरेक्ट हार्ड पावर की तरह आप इतने इजी तरीके से मूव नहीं कर सकते हो जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहता है इन इंडिया वर इंटरनेशनली कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट एज डिकेड पास्ट इट वुड हैव यूज्ड इट्स क्लाउड टू लॉबी एंड विल डिमांड फॉर सिटिंग ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू डिस्कस द ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट रिप्रेजेंटेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक और अगर जैसा पहले इंटरनेशनली कॉन्फिडेंट था इंडिया अगर आज भी होता तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करने के लिए बुला लेता सभी देशों को और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सब से बात करके या रिप्रेजेंट करता यूएन में इस महामारी से लड़ने वाली जो भी नीतिगत निर्धारण तत्वों के लिए नीतिगत निर्धारण सभाओं के लिए इंडिया इज ऑल्सो बीकन इंटरनली बाय द न्यू दिल्ली इन अब इसके इन जो इन्होंने ये बताया है तो इसका इनका मतलब है कि इंडिया कमजोर हो गया है पॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया इज ऑल्सो बीकन इंटरनली बाय न्यू दिल्ली इंटेलिजेंसिया चाइना फिक्सेशन विच मस्ट बी ओवरकम अनोइंगली विद डेलिब्रेशन न्यू दिल्ली सीक्स टू कॉपी पेस्ट बीजिंग सेंट्रलिज्म एज वेल एज ज़ेनोफोबिया बोथ ऑफ विच आर बाउंड टू बैकफायर इन अ कंट्री हुज हिस्ट्री हिस्टोरिसिटी एंड सर्कमस्टेंसेज आर क्वाइट डिफरेंट और जो बीजिंग का जो मॉडल है इंडिया जो कॉपी करना चाहता है वो इसको ही बैकफायर कर गया है और जो हमारा जो पुराना इंडिया था या जिसकी हिस्ट्री थी उससे पूरा अलग डिफरेंट है जो वर्तमान इंडिया है या वर्तमान जो पॉलिसीज हैं इनके अकॉर्डिंग अ रिफॉर्मेटिंग अनफ्लिंचिंग लैक ऑफ केयरिंग फॉर द सिटीजनी बाय गवर्नमेंट इन साउथ एशिया कैन ओनली बी रिवर्स थ्रो फॉर्मूला दैट इनकॉर्पोरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द नेशन स्टेट एंड रिफॉर्मेटिंग ऑफ द रिलेशनशिप अब ये सब सिर्फ इसको वापस किया जा सकता है कि इंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं उनको बनाया जा सके इंटरनली पावर मस्ट डिवॉल्व फ्रॉम द कैपिटल टू प्रोविंशियल यूनिट टू लार्जर कंट्री पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल एज एम्पावर्ड टू लोकल गवर्नमेंट ऑल ओवर नेपाल अंडर द 2015 कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट येट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड अब सीधी सी बात इनका कहना है पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए स्टेट को भी बहुत सी पावर देनी चाहिए जो अभी अब ये के सिर्फ रिगार्डिंग बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लास्ट में एडिटोरियल इस हिसाब से आए हैं कि फाइनेंशियल हिसाब के टर्म में किस हिसाब के टर्म में ये बात कर रहे हैं यही जानते होंगे लेकिन इनका सीधा सा मतलब है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करें आप और आप लोअर लेवल पे पावर को पहुंचाएं या उनको इतना सक्षम करें एक्सटर्नली द कंट्री ऑफ साउथ एशिया मस्ट ब्रिंग डाउन और ये हमेशा साउथ एशिया का नाम ले रहे हैं डायरेक्ट इंडिया का नाम बोल ही नहीं रहे साउथ एशिया मस्ट ब्रिंग डाउन द हाइपर नेशनलिस्ट माइंड वेरियस टू अलाउ पोरस वाटर देयर बाय द विविंग हिस्टोरिकल सिनर्जी इन इकोनॉमी इकोलॉजी एंड कल्चर और इन्होंने कहा है जो हाइपर नेशनलिस्ट यह अति राष्ट्रवाद है उस चीज़ को अभी माइंड से निकाल देना चाहिए जिससे बॉर्डर जो है वो क्या हो फिल हो और उसी सिनर्जी के साथ काम हो उसी सिनर्जी के साथ इकोलॉजी और कल्चर के रिगार्डिंग काम हो जो पहले चल रहा था दिस इज एसेंशियल फॉर द बोथ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कांट हैपन विदाउट अ पल्पेबल रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर दैट विल कम विद अवेडमेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट और इनका मतलब
है कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कम ना करो, जिससे एक दूसरे के बिटवीन क्या हो, सामंजस्य की बात बने या सामंजस्य हो। साउथ एशियन रीजनलिज्म रिक्वायर रिज्यूमिंग द इवोल्यूशन ऑफ सब कॉन्टिनेंटल पॉलिसी दैट वाज टर्मिनेटेड इन 1947 विद पार्टीजन। अब साउथ एशियन रीजनल रिक्वायर रिज्यूमिंग, रीजनलिज्म को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, ठीक है। अब पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंटल को देख के ही पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, मतलब क्षेत्रवाद को ख़त्म करके ये क्षेत्रवाद को अभी के लिए बंद कर दिया जाए और एक पूरे के पूरे होल द्वीप के रिगार्डिंग बात की जाए। रीजनलिज्म वुड लीड टू द कोलैबोरेट बैटल अगेंस्ट पेस्टिलेंस एंड फॉर वेस्ट क्रिएशन थ्रू ट्रेड कंपेरेटिव एडवांटेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रीजनल वुड हेल्प फाइट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन आवर रिवर बैटल एंड एयर पॉल्यूशन दैट वॉट क्रॉस फ्रंटियर प्रमोट कोऑपरेशन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर एंड बूस्ट द इकोनॉमीज ऑफ द जियोग्राफिकल पेरीफेरी ऑफ ईच कंट्री। और पूरे किस किस हिसाब से रीजनलिज्म नुकसान कर रहा है या हुआ जो लास्ट कुछ समय में, वो सब इन्होंने बताया। द पुश फॉर साउथ एशिया वाइड थिंकिंग एंड प्लानिंग नीड नॉट बी सीन एज अ मेलवोलेंट अटेम्प्ट टू सबवर्ट इंडिया, इंस्टीड इट इज पाथ ऑफ इंडियाज ऑन सोशियो इकोनॉमिक एडवांस दैट इज द वे टू गार्न इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर। Internal devolution and cross-border bonding has always been necessity but impossible for some of the contemplate. Hopefully the shake up of COVID-19 pandemic will succeed where past exhortations have failed. The opinion makers of India's economic, political, scientific, philosopher, socio-diplomatic and other have tended to New Delhi center as a result down right reluctant to address issue the both fatalism within the regionalism without they have thus far been unable to see jungle for tree. अब पूरा का पूरा इन्होंने regionalism federalism का mixture करके और किस हिसाब से government यहाँ जो local level पे है प्रांतीय सरकारों को power नहीं दिया है जितना power उनको होना चाहिए, सबकी बात करते हुए लास्ट में एक ही वर्ड्स के साथ इन्होंने एंड किया है कि दे आर दस फॉर हैज बीन अनेबल टू सी द जंगल फॉर द ट्री, और इस हिसाब से जंगल नहीं मिलेंगे ट्री को देखने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।